आप भी मटन चिकन खाना भूल जाओगे अगर बना ली एक बार ये मजेदार कटहल की सब्जी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg कटहल। आप देख सकते हैं इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। अब सबसे पहले कर लेंगे हम कटहल को बॉईल। बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से दो फायदे होंगे, एक तो कटहल बहुत अच्छे से पक जाएगा, दूसरा है कि नमक इसके अंदर तक चला जाएगा, तो इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप मत करना। ये देखिए यहाँ पे इसमें मैंने नमक और पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर हम इसे 6 से 7 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बहुत ज्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, हम एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। कुकर का प्रेशर एक बार अच्छे से रिलीज हो जाए फिर हम कुकर को खोलेंगे और आप देख सकते हो कटहल जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पे कटहल को मैंने पानी से अच्छे से सेपरेट कर लिया है और इस पानी को भी फेंकना नहीं है क्योंकि इसी पानी का यूज हम बाद में करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेपरेट कर लिया है और इस पानी को भी मैं साइड रख दूंगी क्योंकि बाद में हम इसे ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लेना है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक एक करके कटहल के पीसेस डाल देंगे और इसे एक गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए कटहल दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करेंगे और फिर डालना है इसमें थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी। इसे हमें अच्छे से सौटे कर लेना है और सब्जी के लिए प्याज भी मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है। दोस्तों कटहल की सब्जी में प्याज अच्छे से जाता है। जैसे कि मैंने 1/2 kg कटहल लिया था, इसके लिए मैं 1/4 किलो प्याज ले रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 हरी मिर्च, इसे भी हम सौटे कर लेंगे और फिर डालना है इसमें प्याज। प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब डालना है इसमें 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर एक बार इसे अच्छे से चला लेना है ताकि प्याज और सभी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाए। फिर डालना है हमें इसमें कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। साथ में 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है और मसाले जले ना और आपस में अच्छे से मिल जाए, इसलिए यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा कम पानी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाले आपस में कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब बिना कोई देर किए हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कटहल और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी में और अच्छा टेस्ट आए इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे आप बिल्कुल स्किप मत करना, एकदम मटन वाला टेस्ट आएगा। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 साबुत लहसुन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लहसुन खाना नहीं पसंद है तो आप इसे एकदम स्किप कर सकते हैं।
सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेना है और फिर गैस के फ्लेम को कर देना है एकदम लो। और अगले 10 मिनटों के लिए हम इसे ढक ढक कर एकदम लो फ्लेम पे आराम आराम से भुनेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि कटहल और मसाला जो है वो बेस में चिपके ना। ये देखिए, ये 10 मिनट के बाद का रिजल्ट है। साइड साइड से तेल निकलने लग गया है। आप देख सकते हैं कैसे कटहल से ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे कटहल बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अगर आपको सूखी कटहल की सब्जी बनानी है तो यहीं पे आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और इसे पराठे या फिर पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेवी वाली कटहल की सब्जी बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी। ये वही पानी है जिसमें हमने कटहल को बॉइल करा था। और अब सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए और ढककर पका लेना है। और आप देख सकते हैं ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। लास्ट में डालेंगे हम इसमें हरी धनिया और बस बनकर तैयार है मटन चिकन को फेल कर देने वाली एकदम मजेदार कटहल की सब्जी। ये आप यहाँ पर इसकी ग्रेवी को देख सकते हैं, कितनी मजे की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।